गुड स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का ग्रेविटेशनल चैप्टर। इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन क्या होता है। देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम बता चुके थे, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, इफ बॉडी एग्जर्ट फोर्स एन अदर बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर एग्जर्ट कर रहा है फोर्स, देन अदर बॉडी विल एग्जर्ट सेम फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। जितना फर्स्ट बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगा, उतना ही दूसरा बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा। बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, इट होल्ड गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई फोर्स अट्रैक्शन में वैसे होता है, मीन्स अर्थ एग्जर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी आल्सो एग्जर्ट इक्वल फोर्स ऑन अर्थ इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेम ऐसे ही होता है कि जो अर्थ होता है, अर्थ पे भी कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो जितना फोर्स लगाता है उतना ही क्या करता है, बॉडी अर्थ पे उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई ट्री है, उससे अगर कोई जैसे एप्पल है, एप्पल अगर ट्री से टूटेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे अर्थ पे। न्यूटन ने जो डिस्कवर किया तो उन्होंने ये सोच के बताया कि जो एप्पल है वो अर्थ पे क्यों आया, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि जो अर्थ है वो क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इस वजह से एप्पल है पेड़ से टूटने के बाद नीचे गिरता है, अर्थ पे आता है, ऊपर नहीं जाता है, उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे देखिए यहाँ पे एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन है, एफ बराबर एम इंटू ए, तब यहाँ पे ये कह सकते एक्सलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास, ए इक्वल टू एफ बटा में एम। फोर्स अगर कॉन्स्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट दोनों में सेम फोर्स लग रहा है। अब हम देखेंगे एक्सलेशन और मास में रिलेशन। देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन में एम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है, मास ग्रेटर है, एक्सलेशन क्या होगा, इन्वर्सली भी क्या होता है, जैसे एक्स प्रोपोर्शनल वाई है, ये अगर ज़्यादा होगा तो एक्स भी ज़्यादा होगा, ये अगर कम होगा ये भी कम होगा, यानी इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाई से y इंक्रीज करेगा तो x डिक्रीज, ये डिक्रीज तो इंक्रीज, मतलब ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा तो कम। अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी रीजन से जो अर्थ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ का मास, जैसे एक अर्थ है इसका मास और एक एप्पल है इसका मास, एप्पल का मास ले सकते हैं जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे 100 ग्राम 200 ग्राम के आसपास ही होगा। लेकिन अर्थ का मास हम लोग देखे थे बहुत बिग वैल्यू होती है, कितना होता है 6.6 × 10²24 kg होता है, यानी इसका मास कितना बहुत लार्जर है, बहुत बड़ा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जब अर्थ का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, इसका मास कम है एप्पल का, एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। इसलिए अर्थ जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, इसलिए एप्पल जो है पेड़ से टूटता है तो कहाँ गिरता है, अर्थ का। अब ये नहीं कि अर्थ एप्पल की तरह नहीं जाएगा, क्यों, उसका रीजन है कि उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम है, क्योंकि मास उसका ज़्यादा है, एप्पल में मास कम है एक्सेलरेशन ज़्यादा, इसलिए वो अर्थ पे आता है, इसलिए हम फाइनली ये कह सकते हैं, ठीक है। अब होता है फ्री फॉल, फ्री फॉल वही कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से ऊपर फेंकते हैं जो नीचे आता है तो क्या होता है, फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल का मतलब अकॉर्डिंग टू ड्यू टू ग्रेविटी ऑल ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवार्ड द अर्थ, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं अगर अर्थ की तरफ आ रहे हैं, अर्थ की तरफ गिर रहे हैं अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इज सेड टू बी द फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई अनदर फोर्स ना अप्लाई हो, मतलब कि नो एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसमें जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, फ्री फॉल को क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के कारण जो फ्री फॉल के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, चेंज भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। जी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, तो जी होता है क्या होता है, मास ऑफ बॉडी पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो रहा है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर अगर रोल कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे तो वो पहले हम लोग देखेंगे। तो ये होता है सिंपल, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टी टाइम एस डिस्टेंस। ये था इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट सेकेंड और। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट को जो कि सरफेस पे रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन तीन लगता है। उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर थ्रो कर देते हैं अपवर्ड की तरफ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉलिंग क्या हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज इंटू ग्रेविटी, और जो एस डिस्टेंस है वो हाइट में चला जाएगा, एस इक्वल टू एच, और वी और यू सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। देखिए ए को जी के जगह रिप्लेस कर देते हैं तो वी बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, एस के जगह एच कर देंगे, यू टी प्लस हाफ ए के जगह जी कर देंगे तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस है तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर ए के जगह क्या रिप्लेस करना है, ग्रेविटी जी तो टू, और एस का जगह एच तो ये जगह टू जी एच, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अंडर फ्री फॉलिंग इक्वेशन हो जाएगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट है, जैसे देखिए व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड जी इज टेकन पॉजिटिव। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है तो जी क्या होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर के तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट और इसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर ये नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगता है, अर्थ की तरफ लगता है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरह आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नीचे है डाउनवर्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है अर्थ पे वो भी नीचे ही लगता है, अट्रैक्ट करता है अर्थ, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यानी अगर वर्टिकल डाउनवर्ड हो तो वहाँ जी क्यों क्या लेंगे पॉजिटिव, अगर अपवर्ड हो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी हो जाएगा नेगेटिव। मतलब ये याद रखना कि अगर अपवर्ड होगा तो जी नेगेटिव होगा, अगर डाउनवर्ड होगा तो जी पॉजिटिव होगा। व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्री फॉलिंग फ्रॉम हाइट, किसी बॉडी को हम लोग फ्रीली फ्रॉम कुछ हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो। किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को जो हम थ्रो करेंगे तो कुछ हाइट से इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा जीरो होगा, ये भी हो गया। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी वी बिकम जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो मूव करते जहाँ हाईली, मतलब क्या अगर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फाइनल वेलोसिटी, जहाँ अपवर्ड फाइनल पहुंचेगा उसका जो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ वो रुकेगा जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम, या इससे इक्वेशन से हम देखिए और इक्वेशन बना सकते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड में। जैसे मैं बोला कि वर्टिकली डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा किधर, डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड अगर आएगा तो डाउनवर्ड के केस में इक्वेशन ऑफ अंडर फ्री फॉलिंग क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा। जैसे देखिए जब डाउनवर्ड होगा तो जी क्या लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, यानी सेम ही हो जाएगा, वी बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड के केस में देखें, अपवर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, अपवर्ड जाएगा तो जस्ट उसका ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसका मतलब जी माइनस हो जाएगा, तो जहाँ जी कर देंगे माइनस, जी इक्वल टू यू, जी के जो प्लस कर देंगे तो माइनस जी टी हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड एच बराबर यू टी माइनस, यहाँ जी की जगह माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और ये थर्ड है
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, जी की जगह माइनस करेंगे तो माइनस टू जी एच। ये अपवर्ड के केस में इक्वेशन यूज करेंगे, ये डाउनवर्ड के केस में। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। ओके, थैंक यू।